नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। पब्लिक परेशान है, चालान की राशि में बेतहाशा वृद्धि है, इसको लेकर के कई जगह लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कई जगह ये खबरें आई हैं कि लोग अपनी गाड़ी को छोड़ दिए हैं, गाड़ी के दाम से ज़्यादा चालान उसका हो गया है। पुलिस और पब्लिक के बीच में भी कई जगहों पर नोकझोंक हुई, मारपीट हुई, इस तरह तरह के वीडियो भी वायरल हुए। लेकिन एक आज आदेश जारी हुआ है, पुलिस मुख्यालय परिवहन विभाग का जो पुलिस मुख्यालय है उसके डीएसपी ने एक लेटर निर्गत किया है जिसमें सारे पुलिसकर्मी को हिदायत दी गई है कि नए ट्रैफिक रूल को सारे पुलिसकर्मी पालन करेंगे, नहीं पालन करने की स्थिति में उन पर भी जुर्माना किया जाएगा और जो पब्लिक का जुर्माना राशि है उससे दोगुनी राशि वसूली जाएगी और वो जो राशि उनसे वसूली जाएगी वो उनके सैलरी से कटेगा। ये लेटर निर्गत कर दिया गया है। जो लेटर निर्गत किया गया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस परिवहन मुख्यालय बिहार पटना के पुलिस उपाधीक्षक की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप सभी अवगत हैं कि पूरे देश में दिनांक 1/9/2019 से नया यातायात अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें आप नागरिकों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के विरुद्ध भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े नियमों दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल अथवा बगैर सीट बेल्ट के वाहन का परिचालन करते हुए पाए जाते हैं तो निर्देशानुसार उन्हें आम नागरिकों से दोगुना जुर्माना वसूल किया जाना है। अतः आप सभी को आदेश दिया जाता है कि सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे तथा चार पहिए वाहन के चालक एवं आगे बैठने वाले व्यक्ति सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन का परिचालन करेंगे। अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल तथा चार पहिया वाहन के परिचालन के समय बगैर सीट बेल्ट के पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्माने की राशि स्वयं अपने वेतन से देनी होगी, विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी के समक्ष कर दी जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस उपाधीक्षक ने आदेश निर्गत किया है, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक का चेकिंग पुलिस करती है, पुलिस का चेकिंग कौन करेगा? पुलिस ही पुलिस का चेकिंग करने में कितनी ईमानदारी बरतेगी ये तो सभी जानते हैं या समय बताएगा। लेकिन दो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि पुलिस ही पुलिस का चेकिंग कर पाएगी, दूसरी बात कि पुलिस की गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उस पर नंबर नहीं रहता है, उस पर सिर्फ रेड व्हाइट कलर का, रेड का जो और हरा का जो उसका कलर होता है सिर्फ वही कलर रहता है, सिर्फ पुलिस लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की गाड़ियों में भी कागजात हैं कि नहीं, टैक्स हैं कि नहीं, ये सब भी चेक करने की ज़रूरत है, तहकीकात करने की ज़रूरत है, इसका मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। और पुलिस का चूंकि पुलिस नहीं चेक कर पाएगी, दूसरे किसी अन्यत्र सोर्स को इसमें लगाना उचित होगा अगर ईमानदारी पूर्वक अगर ये इस काम को सफल बनाना है तो। सहयोगी अनिल के साथ मनोज नारायण सिंह, सन्मार्ग लाइव पटना। हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट होते रहने के लिए सन्मार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ। सहयोगी अनिल के साथ मनोज नारायण सिंह, सन्मार्ग लाइव पटना।